Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे. तो अभी वक्त हो रहा है 10:45. पूरा घर का काम हो चुका है, कपड़े भी धोकर मशीन में सुबह ही लगा दी थी, बर्तन हो चुके हैं, नाश्ता हो चुका है, पाव भाजी बनाई थी नाश्ते में, और कल गए थे उल्लासनगर तो बहुत थक गई थी तो फिर सो गई थी. रात में बर्तन नहीं धोए थे मैंने तो सुबह उठ के जल्दी से फिर अम्मी गए थे मार्केट. मार्केट जाकर अम्मी बहुत सारी वेजिटेबल्स लेके आए हैं क्योंकि सुहान को गोभी मंचूरियन खाने का क्रेज़ हो गया है. तो गोभी मंचूरियन चाहिए, गोभी मंचूरियन चाहिए, तीनों टाइम उसको गोभी मंचूरियन चाहिए. इसको एक ऐसा सा होता है बच्चे लोगों का, तो बहुत सारे फ्लावर, वो फुल गोभी होते हैं ना, कॉलीफ्लावर्स, वो सब लेके आए अम्मी, और वेजिटेबल्स लेके आए बहुत सारे. तो वही अभी तोड़ेंगे वेजिटेबल्स अम्मी और मैं बैठ के. अम्मी ने कोथमीर सुबह में तोड़ दिए. कोथमीर यानी हरा धनिया, बहुत यूज़ होता है हमारे घर में हरा धनिया. अभी मैं सोच रही हूँ उसकी वड़ी बनाऊँ, हरे धनिए की, कोथमीर की वड़ी. आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी है रेसिपी, लेकिन शेयर करूँगी. बहुत टेस्टी बनता है और आप लोग बनाकर देखिए, ट्रस्ट मी आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी. और अभी देखिए क्या करते हैं दिन भर में और लंच में क्या बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर. लही कौन निकला? भुट्टे के अंदर से निकला. हाँ. कहाँ से? साइड में से, उसके साइड में आया. अच्छा. एक अलग टुकड़ा आ रहा था साइड में से. हाँ. छोटा सा था. हाँ, भुट्टे का बच्चा. भुट्टे का बच्चा बोल रहे हैं. कितना अच्छा लग रहा ना छोटा सा. अल्लाह बनाया, अल्लाह ऐसा प्यारा बनाया. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. तीन घंटे में ये तीन इस करेगी नहीं? सब शिमला में तो बकवास है. कहाँ है वो? हाँ. वो बता ना कौन है? ये भी बहुत यूजफुल है बोलते नहीं, पका के पानी में पीना चाहिए इसको. पीने का वो शुगर कम होता है. शुगर और वो बीपी तो यहाँ पर ये देखिए रैबिट जो इस तरीके से धूप में आराम से बैठी रहती है, ये धूप सेकते हुए और इसी इसी के ऊपर, कट्टे के ऊपर. और वही मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से आराम से वो उस नींद में है, एकदम खा पी के मस्त बैठी है. और उसके बाद फिर नाश्ता कर लिए थे हम लोग. नाश्ते में मैंने पाव भाजी बनाई थी, और पाव को जो है घी में मस्त गरम गरम सेक कर, और पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, यानी कि बच्चे भी खा लेते हैं पाव भाजी, ऐसी चीज़ है ना, तो इसके लिए मैंने वही बना दी. और ये देख करेला वगैरह था वो घर में, लेकिन नहीं बनाए करेला. फिर बनाओ तो फिर लोग का कुछ ना कुछ टेंशन रहता ही है. और मैं भुट्टा बॉईल कर रही हूँ यहाँ पर. इस तरीके से बॉईल करके भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है, हल्दी और नमक डाल के कुकर में एक सीटी में हो जाता है ये मस्त एकदम भुट्टा. और उसके बाद जो है ये भुट्टे का जो वीडियो है वो 12 बजे का है, ये मैं सुबह का वक्त है. तो दोनों रूम की मैंने बेडशीट चेंज करी थी, तो बेडशीट चेंज करके फिर झाड़ू वगैरह लगा रही थी मैं. ऐसा अभी टाइम है ना, बेडशीट आपको एक दो तीन दिन में जो है ना चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रखना चाहिए घर में. और अपने जो है जो दरवाजे होते हैं उनके हैंडल्स को, और जो है जहाँ पर हमारे स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर ज़्यादा जर्म्स होते हैं, वहाँ पर सैनिटाइज से जो है सैनिटाइजर से साफ़ करते रहना चाहिए. और ये देखिए मैं जो है अभी लंच का टाइम है, और मैं ये गोभी मंचूरियन फ्राई कर रही हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ. तो अभी अम्मी और मैं जा रहे हैं काम से, और डी मार्ट जाएंगे, और बाहर भी दो एक काम है, और उसके बाद फिर मैं देखूंगी, अगर बाहर हुआ तो वीडियो शेयर करूंगी बाहर का, और देखूंगी फिर. और मलिका, अरे वो मलिका उठा ली उसको. अच्छा, इसको थोड़ा अभी अरबी है ना मलिका. हाँ, अरबी का रीड कर लो, मैं जाती हूँ फिर दादी की से जाके. हाँ. आती हूँ. ठीक है, पहले मेरे बाल बना दे. और कुछ चाहिए? नहीं. हाँ, ठीक है, चलो. तो अम्मी और मैं गए थे बाहर, दो एक काम थे थोड़े से, तो हम लोग आ गए 7 बजे आ गए थे हम लोग.
और अभी बजे हैं 9:15 हो गए, 9:15 9:05 का मैं और अभी जाऊंगी किचन में बिरयानी बनाने का है, मटन बिरयानी। मटन लेके आ गए थे अम्मी और मैं, और डीमार्ट गए थे लेकिन बंद था वो, मलिका को कुछ चाहिए था न्यूटेला वगैरह तो फिर नहीं मिला, कल देखूंगी, कल जाऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी मटन बिरयानी की। अम्मी की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, सिंपल और इजी है एकदम। अभी देखिए 9 बज रहे, कब तक बनती है बिरयानी वो भी आपको टाइम बताऊंगी, कब बिरयानी का तैयारी रखती है वो टाइम बताऊंगी। और बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा तामझाम वगैरह कुछ रहता नहीं है उसके अंदर, बहुत ही सिंपल रेसिपी रहती है हमारी तो, और टेस्टी भी होती है तो ऐसे ही तो बिरयानी तो बनते ही रहती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइएगा। ये जो है बिरयानी के लिए मैं रेडी कर रही हूँ प्रिपरेशंस, तो मैंने 6 बड़े साइज़ के कांदे और 6 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और गोश है 1/2 किलो, और फिर उसके बाद इसमें मैंने सिर्फ 1 ही आलू ऐड किया था, आलू ज़्यादा कोई खाते नहीं है घर में इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ पर 5-6 बड़े चम्मच जो है ऑयल डाल रही हूँ कुकर में, और उसके बाद ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें अनियंस डाल दूंगी और नमक डालकर तो फ्राई कर लूंगी गोल्डन। तो जो मैं इसमें है ना, हमारी बिरयानी में खड़े मसाले नहीं जाते, खड़े मसाले ज़्यादा मेरे ससुराल में पसंद नहीं करते हैं, मेरे घर में खड़े मसाले अगर मुँह में आएंगे तो बहुत चिढ़ते हैं बच्चे भी और बड़े भी, तो हम लोग खड़े मसाले यूज़ नहीं करते हैं बिरयानी में। और फिर उसके बाद मैं ऑयल में जो है अनियंस डालकर और नमक डालकर अभी फ्राई कर लिए रखी हूँ, और इसमें मैंने पुदीना और हरा धनिया लिया है, अदरक लहसुन, दही, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये मीट मसाला। अगर आप पास मीट मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो मीट मसाले की जगह पे। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं बिरयानी में। और ये देखिए मैं चावल ले रही हूँ, लंबे वाले चावल है बासमती राइस, बिरयानी के बहुत ही अच्छे होते हैं ये, तो ये 1.5 डब्बा ली हूँ मैंने, ये 2.5 डब्बा 1 किलो का होता है तो मैंने 1.5 डब्बा ली हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना हो सकता है वो, समझो 1/2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा वो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे जो है अनियंस गोल्डन हो चुके हैं, अब मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और अदरक लहसुन को भूनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर, हरा धनिया और पुदीना जो कट करके रखी मैंने टमाटर के साथ में वो ऐड कर देना है। और इसके लिए मैंने ना एक अनियन को स्लाइस करके ना फ्राई कर ली थी बिरयानी में, बस ऊपर से डालने के लिए। और हम लोग मैं इसी चॉपर में इसी तरीके से कर लेती हूँ, या हाथ से भी कर सकते हैं आप, कट कर सकते हो। ये देखिए इसको फिर मैं भी अच्छी तरीके से भूनूंगी यहाँ तक कि वो सॉफ्ट हो जाए टमाटर, चॉपर में करने से जल्दी हो जाता है टमाटर और इनकी पकता भी जल्दी है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी इसको जो है अच्छे से ढक कर रखूँगी मैं। अभी ये देखिए इसका ऑयल रिलीज़ हो चुका है अच्छी तरीके से, टमाटर भी गल चुका है, तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे आगे के। इसको अच्छी तरीके से भूनना है, बस स्लो पर छोड़ देना है टमाटर को, अगर आपने हाथ से कट किया है तो उसको स्लो पर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि वो अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच जो है रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, आपको जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिए कितना आपको टेस्ट चाहिए। अब हल्दी पाउडर ऐड करी हूँ मैंने और मीट मसाला जो है 2 बड़े चम्मच ऐड करी हूँ। फिर उसके बाद मुझे रेड चिली कम लगी थी तो मैंने और 1 चम्मच डाल दी थी। अब इसमें जो है मटन डाल के और आलू डालकर अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि मटन का पानी जो है भिसान पानी होता है ना उसका वो सूख जाए अच्छी तरीके से और उसमें से और ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो मटन जो है आपको भूनने के ऊपर डिपेंड है, अगर आप अच्छे से भूनोगे तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और ये देखिए अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करी हूँ और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देने का है इसमें, और वो साइड में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ, गर्म पानी करके ही डालिए इसके अंदर। और पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये कोरमा है तो कम पानी तो डालना अभी है। आप लोगों ने देखा ना मैंने 9:45 का टाइम बताया था आपको और अभी हो रहा है 9:40, तो चावल के लिए पानी रख दी हूँ मैंने गैस पे और बिरयानी के लिए कोरमा बन गया है और अभी 10 मिनट में बिरयानी रेडी हो जाएंगी। चावल को निथार के उसमें जो है लेयर लगा दूंगी
सालन की, कुरमे की और चावल की। तो बिरयानी मेरी एक घंटे में बन गई। और इसी तरीके से बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आराम से बन जाती है और कुछ ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है और टेस्टी भी होती है। तो हम लोग ऐसा हफ्ते में 2-3 बार ऐसा बनाते ही रहते बिरयानी। तो मैं सोचती कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ आज, एकदम इजी सिंपल और टेस्टी बिरयानी की रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। और खाना खा लेंगे हम लोग 10-10:30 तक खा लेंगे खाना, क्योंकि बिरयानी जब बन जाती है तो उसको आपको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, यानी कि 10-15 मिनट के लिए छोड़ देने का उसको, फिर बाद में खोलने का, तो ज़रा सेट हो जाता है ना मसाला चावल वगैरह सब। अभी गैस ख़त्म हो गया था तो गैस लगा दिए, अब देखो कितना टाइम लगता है, ऐसे एंड टाइम पे गैस ख़त्म होता हो रहा है, 9:45 हो के चले गए। और यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी चढ़ाई थी तो उसमें मैंने नमक डाली है 3 बड़े चम्मच। अब उसको पानी का अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, बस पानी में नमक ही ऐड करना है और कुछ भी मसाले ऐड नहीं करना है। अब वो एक बॉईल आ गया है उसको, ये देखिए एक बॉईल आ गया है, तो अभी मैं चावल को निथार लूँगी। आपको अपने ना अकॉर्डिंग देखना है कि आपके सालन में कितना पानी है, वो हिसाब से आपको चावल को निथारना है। ज़्यादा बॉईल मत करिए, ओवर कुक मत करिए चावल को। ये देखिए अब मैं इस तरीके से इसको निथार रही हूँ, चावल को पूरा पानी निकाल देना है चावल का। ये मैं पतीली में एक पानी निकाल के रख रही हूँ क्योंकि हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं इसको, चावल का जो ये जो पानी बॉयल पानी होता है ना मेरे ससुराल में, हम लोग यहाँ पे पीते हैं उसको गरम गरम, बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए। और बासमती चावल का है तो और भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। अब मैंने पानी पूरा उसका चावल का निकाल ली हूँ और ये लोटे में जो रख रही हूँ वो हम लोग पी लेंगे इसमें सादा पानी और ऐड करके। और एक गिलास में जो रख रही हूँ ना वो बिरयानी में ऐड करने के लिए रख रही हूँ, ये देखिए ये साइड में रखी मैंने गिलास में। अब इसमें से मैं आधा चावल दूसरी पतीली में निकाल लूँगी और जो है फिर उसमें पूरी खुरमा डाल दूँगी। ये देखिए पूरा उसमें खुरमा डाल दी हूँ मैंने। आप अपने सालन के अकॉर्डिंग ही पानी ऐड करिए चावल के अंदर कितना, यानी कि चावल आप ज़्यादा बॉईल करके मत निथारिएगा, एक दो जब बॉईल आ जाएगा चावल का तब निथार दीजिए। ये देखिए मैंने इस पे प्लेट रख दी हूँ, जर्मन की प्लेट, इस तरीके से आपको कोई भी रखना है बिरयानी के लिए, और या तो आप अपना तवा भी रख सकते हो जिस पे आप रोटी बनाते हो। और अब मैंने इसमें जो बाकी चावल था वो भी डाल दी हूँ और इसमें मैं प्याज डालूँगी ऊपर से और घी डालूँगी और जो है कलर डालूँगी और फिर उसको जो है एक कपड़ा लगाकर प्लेट में रख दूँगी और उसके ऊपर कुछ वज़न रख दूँगी और फुल फ्लेम पर रखूँगी गैस को जब तक कि अच्छी तरीके से भाप ऊपर नहीं आ जाती। जब भाप अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए ना तो आप फ्लेम को स्लो करिए। और ये देखिए ये क्लिप मैं अभी ऐड कर रही हूँ, मैं जो है ब्रिस्ता बना रही थी कांदा फ्राई करके। ये देखिए फुल फ्लेम पर रखना है आपको जब तक कि पूरी भाप नहीं आ जाए, बाद में फ्लेम स्लो कर देना है और जो है 5-10 मिनट तक उसको स्लो फ्लेम पर रखना है। उसके बाद आप खोल कर चेक करिए कि आपका चावल गल गया है कि नहीं और फिर आपकी बिरयानी रेडी हो गई। और ये देखिए ये मैं मंचूरियन के लिए कर रही हूँ, ये देखिए भाप आ रहा था अच्छे से ऊपर तो फिर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दिया था बिरयानी को। और 10 मिनट के बाद आपको चेक करके ही गैस बंद करना है, ऐसा गैस मत बंद करिए। और फिर बिरयानी को 15 मिनट के बाद फिर खोलकर आप खा सकते हो। अभी बज चुके हैं 10 हो गए और गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सिलेंडर लगा दिए, चावल भी नहीं उन्होंने निथार दिया आप लोगों ने देख लिया और बिरयानी दम पे है ये देखिए और पसीना गर्मी बहुत है। खाते पीते घर के लोग डाइटिंग नहीं करते, अल्लाह का करम है बिरयानी गरम है, ये खाके भी अंडी खातू। इतनी है ना हम लोग को
कि हम लोग हॉल में हमेशा खाते हैं, लेकिन आज हम लोग को बेडरूम में खाना पड़ रहा है एसी चालू रख के। इतनी गर्मी हो गई है बॉम्बे में, बारिश ही नहीं एक हफ्ते से, काफी लोग परेशान है यार। बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो रही नहीं यहाँ पे, बहुत इतनी गर्मी। और हम यहाँ पर खाना निकाल रहे हैं। सुहान हाँ। चलो और भैया खाना खाने आओ, खाने के लिए हमारे साथ खाना खाने आओ। मस्त एकदम गरम गरम बिरयानी है, एसी ऑन है, खाने के लिए आओ खाने के लिए। और वी आर एंजॉयिंग ओवर लॉकडाउन। और वो सुहान का जो है गोभी मंचूरियन, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, मैं लिंक ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, जरूर देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। ओ सुहान जो है ना वो नहीं खाता, क्या बोलते अपने गोश्त नहीं खाता ना, मटन मटन नहीं तो खाता है। उसके लिए गोभी मंचूरियन या तो फिर चिकन का कुछ आइटम बना के दे देती हूँ स्टार्टर में। चिकन लवर है। हाँ चिकन लवर है। और मलिका कैसे बिरयानी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर ऐसी बिरयानी हर रोज खाने में मलिका जो है मटन लवर है और सुहान जो है चिकन लवर है। नहीं मुझे भी चिकन लवर है। और अम्मी जो है वेज और खाना खाने अम्मी वेज है, अम्मी को सब चलता है, सब में एडजस्ट हो जाते हैं अम्मी जो भी अम्मी का रहेगा ना वो खा लेते हैं, ऐसा नहीं नाटक नहीं ज्यादा, ये नहीं खाने का वो नहीं खाने का। चलो खाना खाने, मैं भी खाती हूँ। चलो बिरयानी को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से 11 फुल मार्क्स। और रेडी 10 out of 10 मिलेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी लाजवाब बिरयानी बनाना बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी, आसान काम नहीं होता। और अम्मी 10 में से 10 अम्मी की रेसिपी है ये, और आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी सिंपल। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।